नावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति रामायण का पाठ शुरू करने से पूर्व रामायण का वाचन करने वाले और रामायण का श्रवण करने वाले दोनों के लिए ही एक संकल्प कि वो इस कार्य को ध्यानपूर्वक करेंगे। और जब हम इस कार्य को ही नहीं, ये तो बहुत पवित्र कार्य है, किसी भी कार्य को करते हैं तो एक बार जरूर उस काम को शुरू करते समय अपने अंतःकरण का चेकअप कर लें। जैसे बाहर के किसी स्थूल यंत्र से जब हमें कोई काम करना होता है तो उसको यूज करने से पहले हम उसका चेकअप करते हैं। जब कोई फ्लाइट टेक ऑफ लेने वाली होती है तो उसका बहुत बारीकी से पहले चेकअप किया जाता है। किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पे चढ़ाया जाता है पहाड़ के ऊपर, तो उसके हार्ट आदि का पहले चेकअप किया जाता है कि वो वहाँ तक चढ़ने के काबिल है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए। कई बार हम श्रेष्ठ काम भी निम्न चेतना से, निम्न भाव से कर लेते हैं। तो हमें कोई भी काम करने से पहले एक बार अपने अंतःकरण का चेकअप करना चाहिए कि इस समय कौन सी वृत्ति है मेरी, सत्व प्रधान वृत्ति है या राजसिक वृत्ति है, रजस प्रधान वृत्ति है या तमस प्रधान वृत्ति है, इस समय क्या सिचुएशन है चित्त की। अगर चित्त में इस समय रजोगुण या तमोगुण बढ़ा हुआ है तो प्रयास पूर्वक उसको सत्व में लाना है, क्योंकि अगर रजोगुण या तमोगुण से युक्त होकर के हम रामायण का वाचन करेंगे या श्रवण करेंगे तो ये श्रेष्ठ काम होते हुए भी निकृष्ट कोटि में चला जाएगा। बाहर से देखने में तो श्रेष्ठ है भाई, रामायण का पाठ हो रहा है, रामायण सुन रहे हैं, रामायण बोल रहे हैं, बांच रहे हैं, लेकिन अंदर अगर वो वाली चेतना नहीं है तो फिर ये एक निम्न श्रेणी का ही कर्म माना जाएगा, फिर इसका जो फल मिलेगा वो उत्तम कोटि का नहीं मिलेगा। और कई बार व्यक्ति सामान्य काम करता है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, सफाई करनी है, देखने में लगता है कि ये तो छोटा काम है, राजसिक तामसिक कोटि का काम है ये, लेकिन भाव उसको करते समय बहुत ऊँचा है तो फिर वो क्रिया सात्विक क्रिया ही मानी जाएगी। उसका जो फल मिलेगा वो पुण्य देने वाला ही होगा, सुख देने वाला होगा, वो पुण्य कर्म माना जाएगा। छोटा सा लौकिक दृष्टि से छोटा दिखते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से वो पुण्य कर्म ही होगा। तो हमें किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार जरूर अपने अंतःकरण का चेकअप कर लेना चाहिए और प्रयासपूर्वक उसको ठीक कर लेना चाहिए। और फिर ऐसा करते करते फिर आदत बन जाती है। तो हमने कल पढ़ा था कि सभी असुरों का विनाश हो चुका है और लंका के ऊपर विभीषण का राज्याभिषेक करके उनको वहाँ का साम्राज्य दे दिया है श्री राम ने, और सीता माता की अग्नि परीक्षा के पश्चात अब वहाँ से चलने की तैयारी है। और जब ये
सारा कार्य हो गया, लंका पर फतेह हो गई, विजय हो गई। और सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता भी श्री राम के पास आ गई हैं। तो सब देवों ने भी सदेव ऋषिगणम, देवता और ऋषिगण, तुष्टम राघवस्य महात्मना, उस महात्मा राघव के इस अलौकिक कार्य से, क्योंकि रावण को मारना कोई सहज कर्म नहीं था, तो वो बड़े तुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदैव ऋषिगणम तुष्टम राघवस्य महात्मना, उनके इस महान कर्म से राघवस्य महात्मा ने, महात्मा राम के, यहाँ राम को महात्मा कहा है, महात्मा मतलब महान आत्मा, और जिसकी आत्मिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त हो चुकी हैं, जो आत्मा के स्तर पर ही जी रहा है, उसको महात्मा कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति राजा होते हुए, कोई व्यक्ति योद्धा होते हुए साथ में महात्मा भी हो, तो ये कैसा संयोग है। तो यहाँ तो ये इतने लोगों का संहार किया इन्होंने, अभी अभी युद्ध लड़ा, रावण को मारा, और उस ऐसे घोर कर्म को, युद्ध जैसे घोर कर्म को भी देवता और ऋषि उनसे खुश हो रहे हैं और उनके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि वास्तव में महात्मा कौन है। महात्मा मतलब कोई भगवा धारण करने वाला महात्मा होता है, या जटा बढ़ाने वाला, दाढ़ी बढ़ाने वाला महात्मा होता है, और कोई सिविल कपड़ों में महात्मा नहीं हो सकता है, या कोई हिमालय आदि गुफा में ध्यान लगा के बैठने वाला महात्मा होता है, और कोई अपने कामकाज करे और वो भी युद्ध जैसा काम करे। सीमा के ऊपर हमारे सिपाही खड़े रहते हैं, तो कोई सोचे कि भाई वो तो बेचारे सारे संसार के शुभ कर्मों से कट ऑफ हो गए, बस वहाँ तो खड़े हैं, और कई बार वो खुद भी निराश हो जाते हैं। तो उनको भी इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ युद्ध जैसे घोर कर्म को भी शुभ कर्म कैसे बनाया जाता है, मन की स्थिति को चेंज करके। माने मन की भावना ये है कि हमें दुष्टता का नाश करना है, दुष्ट का नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा दुष्ट होती ही नहीं है, तो उसकी दुष्टता का नाश किया गया है। रावण को तो, रावण की जो आत्मा है वो तो मोक्ष को प्राप्त हुई श्री राम के हाथों, जिसका स्पर्श श्री राम ने कर लिया, तो वो तो कैसे नरक में जा सकता है। तो हमने गीता में भी देखा, अर्जुन भी को भगवान योगेश्वर कृष्ण युद्ध जैसे घोर क्रूर कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसको प्रेरणा दे दे करके युद्ध में लगा रहे हैं। अगर कोई कालनेमी जैसे गुरु होते तो यही शिक्षा देते कि तुम सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, युद्ध नहीं करना है तुम्हें, ये काम भी नहीं करना है तुम्हें, वो काम भी नहीं करना है, बस बैठ करके माला जपो। वो हिमालय की एक शिला पे जाके माला जपने लगा था हनुमान जी को रोकने के लिए। तो काम करना कोई महात्मा के पद से नीचे उतरना है ऐसा नहीं है। जब हमारे शास्त्र हमें कह रहे हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए। किस कार्य को हम किस भाव से कर रहे हैं, इन्होंने कितने असुरों का नाश किया, 14,000 तो दंडकारण्य में मार दिए, पहले ही बताया था, और उसके बाद लंका में कितने लोगों को मारा, और उसके बाद देवता फूल बरसा रहे हैं, और इनके लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राघवस्य महात्मना। तो ये असुर चाहे बाहर के हों, चाहे ये असुर अंदर के हों, जो इन असुरों का विनाश करेगा निश्चित रूप से वो महात्मा ही है, चाहे वो कहीं भी रहे, कोई भी काम करे। तो हम अलर्ट यदि हैं तो सबसे पहले तो विनाश करेंगे अंदर वालों का, और जब अंदर वालों का हो गया तो हम दूसरों को भी बताएंगे भाई तुम भी कर लो, और हम उनको करने में सहायता भी दे पाएंगे। उससे पहले हम नहीं दे सकते हैं, जब तक हमारा अंदर का, मतलब जिसके घर में सुख शांति नहीं है, वो बाहर के किसी व्यक्ति को सुख शांति का उपदेश कैसे दे सकता है, और देगा तो वो कारगर नहीं होगा, वो झूठ है। श्री राम के घर में, अपने घर में सब परस्पर, सब भाइयों में अत्यंत प्रीति है, कोई भी राज्य के लिए लोलुप नहीं है, लोभी नहीं है, सब चारों भाई एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं,
एक को वनवास होता है तो दूसरा साथ चलने लगता है, दूसरा साथ चलना है तो पत्नी भी साथ चलने लगती है, और पत्नी की जो बहन है उर्मिला वो अपने पति को प्रेरित करती है, नहीं तो वरना तो उर्मिला रोक लेती लक्ष्मण को, वो कहती मैं क्या करूँगी यहाँ 14 वर्ष तक, आप तो चल पड़े अपने भाई भाभी के भक्त, या तो मेरे को भी साथ लेके चलो, तो फिर तो चार हो जाते, तो फिर सेवा में बाधा आती। तो मतलब यहाँ एक एक परिवार के व्यक्ति का चरित्र हम देखें कितना त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। उर्मिला का और भरत का जो त्याग है, उनके जो चरित्र की उच्चता है, वो कहीं श्री राम और सीता माता से भी ऊंचा चरित्र मानती हूँ मैं, भरत जी का और उर्मिला का। लक्ष्मण का उससे भी ऊंचा, सोया ही नहीं 14 साल तक, इतना अलर्ट रहा। इसको कहते हैं सेवक। सेवकों नहीं होता कि ड्यूटी तो है बॉडीगार्ड की, और बैठ के कुर्सी पे गपोड़े मार रहा है और फिर वहाँ अंदर कोई भी घुस गया, बोल जी मैं तो पता नहीं कैसे घुस गए। भाई तेरी ड्यूटी है उसके ऊपर, तो अलर्ट खड़ा हो। तो ये लक्ष्मण से हम सीख सकते हैं कि कैसे वो खड़े रहते हैं 14 साल तक, सोते भी नहीं है रात को भी। तो यहाँ जिसके घर में परस्पर प्रीति है, इस धरती के ऊपर स्वर्ग केवल मात्र रामायण पढ़ने से नहीं आएगा, रामायण याद करने से नहीं आएगा, मानस की चौपाई याद करने से नहीं आएगा, अष्टाध्यायी धातु पाठ दर्शन उपनिषद याद करें अच्छी बात है, लेकिन इतना करने मात्र से शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ शंकराचार्य जैसे जो विद्वान थे, वो तो सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो भी उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, एक धातु है डुक्रिय करणे धातु पाठ में क्रयादिगण में, तो उन्होंने कहा कि मात्र ये शास्त्र हमारा रक्षा नहीं कर सकता है। शास्त्र की रक्षा केवल उसको रटने से नहीं होती है। हम ऐसे बोलते हैं कि हम तो जी शास्त्रों की रक्षा कर रहे हैं तो हमें तो शास्त्र रटने ही हैं। शास्त्र की रक्षा रटने से होती नहीं है। आपने रट तो लिया, जितनी जल्दी आपने रटा है 4-6 दिन में उतनी जल्दी भूल भी जाने वाले हैं। शास्त्र की रक्षा तो उस शास्त्र को जीने में होती है। तो जिस दिन जिस परिवार के, चाहे वो परिवार 4 सदस्यों का है, चाहे वो 400 का है, चाहे 4,000 का है, या 4 लाख का है, या 4 करोड़ का है, कितना भी बड़ा है या छोटा है परिवार, जिस दिन उस परिवार में सत्य आधार होगा, प्रेम होगा, करुणा होगा, परस्पर प्रीति, सेवा, उपकार की भावना, त्याग बलिदान की भावना, ये चीज़ें जिस दिन विकसित होंगी, उस दिन राम का राज्य आएगा, उस दिन हम इस रामायण की रक्षा कर पाएंगे, उस दिन हम श्री राम के प्रतिनिधि हो पाएंगे। हम रामायण के श्लोक याद करने से, या रामायण के श्लोक बांचने से, या रामायण के श्लोक सुनने से, इतने मात्र से रक्षा नहीं हो सकती है रामायण की। रामायण की रक्षा हो सकती है ऐसे वाला अपना, और वो हमें अपने रोज के जीवन में, आपको पता नहीं किसी को वनवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबको थोड़ी वनवास मिलता है, सबके जीवन की सिचुएशन वैसी थोड़ी आएंगी कि जी हमारे जीवन में भी कभी ऐसा हो कि हमें भी 14 साल का वनवास मिले, पहले राज्य अभिषेक होने वाला हो, फिर कोई मंथरा आए, फिर हम वन में हमें निर्देश मिले, फिर कोई कैकेयी आए, तो फिर हम करेंगे ऐसे, उस दिन हम रामायण को फॉलो करेंगे। अब नहीं आएगा कभी भी, वो दूसरी घटनाएं जो हैं वो एक बार जो घटित हो गई हूबहू दोबारा वैसे नहीं होती हैं। हाँ, अलग अलग रूपों में इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अलग रूपों में तो रोज़ जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं उन लोगों के सामने तो रोज़ ये सिचुएशन आती है कि एक तरफ होता है हमारा अधिकार, एक तरफ होता है कर्तव्य पालन, तब हम दोनों में से कौन सा चुनते हैं। तो जब हम थोड़ा भी ध्यान से अपने जीवन को देखेंगे सुबह से शाम तक, तो आपको 20ों ऐसे अवसर मिल जाएंगे, 50ों ऐसे अवसर मिलेंगे सुबह से शाम तक, जब एक एक जगह आपके सामने था आपका अधिकार और दूसरी तरफ था कर्तव्य, आपने कौन से को चुना। तो इसमें 10-20 चीज़ें हमें अपने डायरी में नोट करके रखनी चाहिए जिसको हम अपने जीवन में बहुत अच्छा मानते हैं, सत्य को, प्रेम को, करुणा को, सेवा को, परोपकार को,
सहनशीलता को, क्षमाशीलता को, शुचिता को। तो हमें रामायण की रक्षा के लिए अनेक उपाय हो सकते हैं हर व्यक्ति के लिए। उनमें से एक उपाय ये भी है कि हम अपने जीवन में जिन चीज़ों को हम अच्छा समझते हैं, हम अपने जीवन में सत्य को, प्रेम को, करुणा को, सेवा को, शुचिता को, अहिंसा को, चोरी न करना, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को और संतोष को और पर दुख कातरता को, क्षमाशीलता, सहनशीलता, दूसरों का दुख समझना, उसको सहनशीलता में ही आ जाएगा, वैसे सेवा में ही आ जाएगा। ऐसे 10-20 चीज़ें जो हम अच्छा समझते हैं वो अपने डायरी में हमें लिख के रखनी चाहिए और उसमें फिर सुबह उठते ही एक बार पढ़ लें। कि जैसे सुबह उठते ही वो करते हैं ना, मेकअप करते हैं, रात को सब नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं, आभूषण भी उतार के रख देते हैं, फिर सुबह उठ के ड्रेस भी दूसरी पहनते हैं, अपने आभूषण भी दोबारा पहन लेते हैं, कपड़े भी चेंज कर लेते हैं दूसरे। तो ऐसे ही सुबह उठ के एक बार उसको पढ़ेंगे, आज के लिए मेरे ये आभूषण हैं, मुझे इस बाउंड्री में खेलना है, बस इसके बाहर नहीं जाना है। जैसे कोई प्ले करते समय एक बाउंड्री सुनिश्चित होती है कि आपको नंबर मार्क्स तब मिलेंगे जब आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमें वो 5-10 जो गुण जो हम चाहते हैं, तो ये एक बार सुबह तय करना चाहिए 5 मिनट उसको देख करके कि मुझे इस बाउंड्री में पूरे दिन का आज का जीवन यापन करना है, जीना है तो भी इस बाउंड्री में, मरना है तो भी इसी बाउंड्री में, इसके बाहर नहीं जाना है। और फिर एक बार रात को सोते समय उनके आगे ग्रेड देना चाहिए अपने को। सत्य का पालन करने में आज मैं अपने आप को ए ग्रेड देती हूँ या बी देती हूँ या सी देती हूँ, तीनों में से कौन सी ग्रेडिंग है। तो वहाँ हम अपना एग्जाम देने वाले भी खुद हैं और अपने आप को चेक करने वाले भी खुद हैं, नंबर देने वाले भी खुद हैं, कोई नहीं देख रहा है। तो इस रूप में फिर रक्षा होती है। तो यहाँ चर्चा कर रहे थे हम कि राम को यहाँ महात्मा क्यों कहा। रामस्य महात्मनः त्रैलोक्यम महत्ता तेन कर्मणा, तीनों लोकों में सबसे महान इस कर्म को। देखो ये केवल पृथ्वी का ही महान कर्म नहीं है, तीनों लोकों का, त्रैलोक्यम अपि तेन कर्मणा, उस कर्म से तुष्टः स देव ऋषि ऋषिणाम, उसे देवताओं सहित सारे ऋषि खुश हो गए। माने जो सात्विक आत्माएं हैं वो दो ही रूपों में रहती हैं, या तो देवता के रूप में या तो ऋषियों के रूप में। तो एक तरह से जितने भी सात्विक आत्माएं थी उन सब का आशीर्वाद वहां मिल गया उनको, जंगल में रहते रहते। माने ऋषियों का आशीर्वाद लेने के लिए किसी तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ यदि हम असुरत्व का विनाश कर लेते हैं, चाहे हम भारत में रह रहे हैं, चाहे अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, अन्य किसी भी देश में, फ्रांस आदि में हैं, कनाडा आदि में हैं, कहीं भी हैं, मॉरिशस में हैं, नेपाल में हैं, भारत में हैं, घर में हैं, जंगल में हैं, आश्रम में हैं, कहीं भी हैं, दुकान पे हैं, जहाँ कहीं भी हम अपने असुरत्व का नाश कर लेते हैं वहीं महात्मा अभिव्यक्त हो जाता है। माने जो बोध है वो युद्ध के बिना नहीं आता है, युद्ध से बुद्ध बनता है व्यक्ति, अंदर वाले युद्ध से। जो महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया तो उनको बुद्ध इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बाहर तो कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर अपने मन से, अपने दोषों से, पहले तो वो पहचान में तो आए नहीं, तो व्यक्ति अपने आप को ओके ऑल राइट मानता रहता है। व्यक्ति कहता है मेरे अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, तो मैं क्या ठीक करूँ। तो ठीक कर किसको करना है भाई, तो बोलिए मेरे पास तो ये रहते हैं, इनको ऐसे ठीक कर लेना चाहिए बस, फिर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पहले से ही। वो पकड़ में आना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है ईमानदारी से, और पकड़ में आ गया तो फिर उसको ठीक करना उसमें पुरुषार्थ लगता है। पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि वो काम कठिन है,
कठिन इसलिए हो जाता है कि वर्षों से अभ्यास हमने दूसरा डाल लिया अपने मन का, तो हम सब समझते भी हैं, हमें पता भी लगता है कि गलत हो रहा है, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अभी उसको ठीक करने वाली शक्ति कम है। जब वो वाली शक्ति ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमारे लिए वो काम सहज हो जाएंगे, स्वाभाविक हो जाएंगे। तो महात्मा कोई व्यक्ति कहीं भी बन सकता है, बुद्ध कोई व्यक्ति कहीं भी बन सकता है, और वहीं उसको आशीर्वाद मिल जाएंगे। नहीं तो हम कहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी तो मथुरा में रहते हैं, तो अब की बार हम मथुरा जाएंगे गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए। जो बड़े सिद्ध महात्मा संत योगी जन हैं वो तो हिमालय में रहते हैं, तो उनके सूक्ष्म आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो हमें हिमालय में जाना पड़ेगा, पावनी गंगा के तट पर जाना पड़ेगा। और हमारे गुरुजी तो हरिद्वार में रहते हैं, काशी में रहते हैं, किसी के अयोध्या में रहते हैं, किसी के दिल्ली में रहते हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग व्यक्तियों के गुरुजी रहते हैं, तो वो गुरुधाम पे जाते हैं आशीर्वाद लेने। कुछ कहते हैं कि देवताओं के जैसे सुख लेने के लिए, उनका आशीष लेने के लिए मंदिर मस्जिद जाना पड़ेगा या स्वर्ग में जाना पड़ेगा। राम कहीं भी नहीं गए, राम ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए असुरत्व का नाश किया, और जब संपूर्ण असुरत्व का विनाश हो गया और सीता माता जो सारी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, समृद्धि हैं, वो तीनों लोकों की समृद्धि उनके पास आ गई अपने आप ही, और तीनों लोकों के जो सिद्ध हैं, संत हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, वो उनसे प्रसन्न हो गई। तो ये रहस्य है, हमें भगवान को, संतों को, सिद्धों को, ऋषियों को, पितरों को कैसे प्रसन्न करना है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने असुरत्व का नाश करते हुए, अपने कर्म से ब्रह्मचारी, अपने तप से ब्रह्मचारी, अपने गुरु को आचार्यम पिपर्ति। ये जो ब्रह्मचारी है ये अपने आचार्य को कैसे पिपरती, पिपरती माने पूर्ण करता है, उसको तृप्त करता है, तो वहां बताया तपसा, तप के द्वारा। और तप क्या है? असुर का, असुरत्व का नाश, यही तप है। तो आगे पढ़ते हैं, बभौ रामा संप्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः अभीषिच्य चलंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतः कृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। सर्वदेवतैः रामः संप्रहृष्टः पूजितः बभौ। सब देवताओं के द्वारा श्री राम पूजितः, पूजे गए, और संप्रहृष्टः बहुत प्रसन्न हुए। भाई जब देवों का, सिद्धों का, संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, वो सिर पे फूल बरसा रहे हैं, तो कौन व्यक्ति खुश नहीं होगा? यहाँ तो एक दिन जन्मदिन मनाते हैं, या कोई शादी की सालगिरह मनाते हैं, या ऐसे यज्ञ करते हैं, और फिर कोई बड़ा संत महात्मा आकर के आशीर्वाद दे दे, तो व्यक्ति को लगता है पता नहीं कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। और इनको तो साक्षात ऋषिगण और देवतागण सब मिलकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्यों नहीं ये खुश होंगे? तो इसलिए संप्रहृष्टः, अत्यंत प्रसन्न हुए श्री राम। सर्वदेवतई पूजितः, सब देवों ने भी उनकी पूजा की। मतलब मनुष्य जब अपने असुरत्व का विनाश कर लेता है तो देवताओं के द्वारा भी वो पूजित हो जाता है। अभी तो एक तो ये सिचुएशन है कि हम देवताओं को पूजते हैं रोजाना, कभी किसी देवी से जाकर के मंदिर में कुछ मांगते हैं, कभी देवता से मांगते हैं, और वो कभी हमारी मन्नतें पूरी कर दें तो फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी तो सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है जब देवता उस मनुष्य की पूजा करें। ये है मनुष्यत्व का सम्मान। अगर मनुष्य शरीर मिला है, कई बार सुना ना हमने, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा स्वयं आकर तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
अपने आप को ही अपने तप से व्यक्ति इतना ऊंचा उठाए, अपने असुरत्व का विनाश करके अपने आप को ऐसा कंचन खरा सोना बनाए कि खुद देवता भी आकर के उसको पूजा करें, उसके उसको जबरदस्ती आशीर्वाद दें, उसको भेंटें दें। तो यहाँ पूजितः सर्वदेवतैः, ही देवताओं को कोई मनुष्य पूजे ये बात तो समझ में आता है, लेकिन सब देवताओं से जो पूजित हो, सारे देवता जिसकी पूजा करें, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। तो ये है मनुष्यत्व की पराकाष्ठा। उस मनुष्य को फिर हम अवतार कह देते हैं कि भई ये मनुष्य क्या है, ये तो साक्षात भगवान का ही अवतार है। तो यहाँ पर बभौ संप्रहृष्टः सर्वदेवतैः पूजितः रामः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेंद्रम विभीषणम। राक्षसेंद्र राक्षसों के राजा विभीषण का राज्याभिषेक करके कृतकृत्य, कृतकृत्य हो गए। इस अवस्था को कहते हैं कृतकृत्य। कृतकृत्य मतलब जिस प्रयोजन से मानव शरीर धारण किया था वो प्रयोजन पूरा हो गया। मानव शरीर धारण किया था असुरत्व के विनाश के लिए और संपूर्ण असुरत्व का विनाश कर दिया, और लंका के ऊपर विभीषण जैसे धर्मात्मा राजा को वहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया, तो उनका काम पूरा। किसी व्यक्ति के जीवन का कोई एक बड़ा मिशन होता है, किसी का मिशन होता है असुरत्व का नाश करना, किसी का होता है कि गरीबी का नाश करना, किसी का होता है कि रोगों का नाश करना, किसी का मिशन होता है कि अविद्या अशिक्षा का विनाश करके शिक्षा का उत्थान उद्धार करना। तो अलग अलग महापुरुषों का एक अलग मिशन होता है। तो यहाँ श्री राम ये सारा कार्य करके कैसे हो गए, विज्वर कृतकृत्य। उनके लिए कौन से विशेषण आए हैं, विज्वर, ज्वर मतलब कष्ट, रोग, बीमारी। और जब बीमारी चली जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, ज्वर आता कब है, जब शरीर में दोष बढ़ जाते हैं, रोग बढ़ जाते हैं। तो ज्वर तो हमें बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए ज्वर तो अच्छा है, वो तो सूचना दे रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान की, नहीं तो हम अंदर कैसे देख पाते कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। बाहर हो तो दिखाई देगी आँख से, पर अंदर कुछ गड़बड़ है तो हमें कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो भगवान जी ने एक सेंसर लगा दिया कि जब जब अंदर दोष पैदा होंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब सिर में या पेट में कोई दोष पैदा होंगे तो आपके सिर में पेन होगा, तो वो उसका निशानी है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, या तो शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है या तो मन में चल रहा है, दोनों में से कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, तो उसको ठीक कर लो। और जब वो ज्वर चला जाता है तो व्यक्ति को कैसा लगता है, मतलब कोई नई उपलब्धि नहीं हुई लेकिन उसको इतना अच्छा लगता है। जब व्यक्ति को कैंसर ठीक हो जाता है, जब व्यक्ति को कोरोना ठीक हो जाता है, तो उसको कैसा लगता है, लगता है उसने पता नहीं कितनी बड़ी फतेह प्राप्त कर ली, क्योंकि मौत साक्षात सामने थी। यद्यपि मौत आज भी सामने है, और एक बात और समझने जैसी है, कोरोना तो केवल इस शरीर का ही नाश करता है, उससे हम कितने भयभीत हैं, कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, लेकिन ये जो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा द्वेष और नेगेटिव थिंकिंग, ये सब तो क्या हैं, ये तो एक जन्म के एक शरीर को नाश नहीं करते हैं, जन्म जन्मांतरों तक ये तो हमारा विनाश करने वाले हैं। तो हमें इनके लिए और भी ज़्यादा, जितना हम कोरोना के प्रति अलर्ट है ना, उससे कहीं ज़्यादा अलर्ट हमें इन दोषों के लिए होना चाहिए। तो यहाँ श्री राम जो हैं वो कृतकृत्य हो गए हैं।